बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है 9th क्लास का 7.6 आर्शमिदस प्रिंसिपल के बारे में कि आर्शमिदस प्रिंसिपल क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को स्टडी कर लेते हैं। स्टेटमेंट को समझने के बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ भी आएंगे। अब अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए, कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एंड अ थ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेसेस। कहते हैं कि जब भी हम किसी भी बॉडी को मुकम्मल तौर पर, यानी कि टोटली और पार्शली इमर्ज, या उसका कुछ हिस्सा किसी लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर हम डबोते हैं, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है और वो अपथ्रस्ट फोर्स उस बॉडी के वेट के मुताबिक लिक्विड को डिस्प्लेस करती है या हटाती है। ये है इसकी स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमने एक तो अपथ्रस्ट को समझना है कि अपथ्रस्ट क्या है, और दूसरा इसका प्रूफ भी करना है कि अपथ्रस्ट ही किसी भी बॉडी के, अगर उसको लिक्विड के अंदर डिप किया जाए, इमर्स्ड किया जाए, तो वो उसके वेट के इक्वल फोर्स लगाती है। इसी बात को हमने साबित करना है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं जी कि जब हम एक ईयर फिल्ड बैलून को जब हम किसी भी लिक्विड के अंदर डिप करते हैं या इमर्ज करते हैं, और उसको पानी के अंदर छोड़ने के बाद जब उसको रिलीज करते हैं, वो फौरन ऊपर की जानेब उठ जाता है। दूसरी एग्जांपल के जब हमारे पास एक पीस ऑफ वुड, इसको भी जब हम पानी के अंदर छोड़ते हैं, ये ऊपर तैरना शुरू कर देता है। या बाज़ बात हमने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कोई चीज़ जो पानी के अंदर हम लेकर जाते हैं, हालांकि पानी से बाहर उसका वेट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पानी के अंदर उसका वेट जो होता है हमें हल्का दिखाई देता है, हल्का महसूस होता है। अब वजह क्या है कि ये जो ईयर फिल्ड बैलून है ये ऊपर तैरना क्यों शुरू कर दिया, या पीस ऑफ वुड जो है ये ऊपर तैरना क्यों शुरू कर दिया, या वो तमाम चीज़ें जो हमें पानी के अंदर किसी भी लिक्विड के अंदर लाइटर महसूस होती हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इस रीज़न को तकरीबन 2000 ईयर्स एगो एक ग्रीक साइंटिस्ट आर्शमिदस, इसको आर्कमिदस भी बोला जाता है, आर्शमिदस भी पढ़ सकते हैं, इसने नोटिस किया कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स, वो तैरने वाले तमाम ऑब्जेक्ट्स जो ऊपर की जानेब उठ जाते हैं, असल में पानी के अंदर उस लिक्विड के अंदर एक ऐसी फोर्स है जो उसको ऊपर की जानेब उठाती है। यानी कि किसी भी बॉडी को ऊपर की जानेब अपवर्ड उठाने वाली जो फोर्स होगी, उसको नाम दिया उसने अपथ्रस्ट का। यानी कि सबसे पहले जो अपथ्रस्ट का, उछाल की फोर्स का जिसने कंसेप्ट दिया था, वो आर्शमिदस था, कि ये फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स है जो किसी भी लिक्विड के अंदर पड़े हुए अजसाम को ऊपर की जानेब उठाती है। अब इसी बात को हमने प्रूव करना है, क्या वाकई ऐसा ही है कि एक अपथ्रस्ट सारा इसके ऊपर डिपेंड करती है किसी भी बॉडी को सिंक करने के लिए, डबोने के लिए, या उसके ऊपर फ्लोट करने के लिए। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाई हुई है। एक हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर हमने कुछ लिक्विड डाला हुआ है, और उसके अंदर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का सिलेंडर लिया हुआ है, यानी कि इसका एरिया जो है वो ए है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर ये वाला हिस्सा। अब हम देख रहे हैं इस सिलेंडर को हमने टोटली इमर्ज किया हुआ है, मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर इसको डिप किया हुआ है। जब हमने देखा तो इसके ऊपर दो फोर्सेज अमल कर रही हैं। कौन सी फोर्स?
एक तो इस सिलेंडर की अपनी फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जिसको मैं F1 का नाम दे रहा हूं, और दूसरी वो फोर्स जो इसको डाउनवर्ड नीचे की जानेब या इस सिलेंडर के बॉटम की तरफ से लग रही है, उस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं F2 का। यानी कि इस तरीके से इस सिलेंडर के ऊपर दो तरह की फोर्सें लग रही हैं, एक F1, इसका अपना वेट, साफ जाहिर है वेट जो होता है वो हमेशा ग्रेविटी की वजह से नीचे एक्ट करता है, और इसकी अप थ्रस्ट जो है वो ऊपर की जाने अमल करेगी। ये पहली बात। अब अगर यहाँ पर हम इनकी हाइट को चेक कर लें, जिसको हमने H1, H2 और H के साथ जाहिर किया हुआ है, सबसे पहले ये टोटल जो लेंथ है, यानी कि इसके बॉटम से लेकर जहाँ तक इस कंटेनर का हिस्सा है, इस टोटल लेंथ को हमने H2 के साथ जाहिर किया हुआ है। और इसी तरीके से इसका टॉप से, यानी कि ये सिलेंडर का जो टॉप वाला हिस्सा है, टॉप से लेकर यहाँ कंटेनर का ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ हमने इसको नाम दिया हुआ है H1 का। इसके बाद अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, H2 और H2 का, तो वो टोटल जो लेंथ है, टोटल ऊंचाई जो है, टोटल हाइट जो है, वो H के बराबर आ जाती है। अब इसी को हमने मैथमेटिकली प्रूव भी करना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू H2 और H1 के बराबर है। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों फोर्सेज जो हैं, F2 और F1, क्या वो अप थ्रस्ट के ऊपर अमल कर रही हैं या नहीं कर रही। तो फोर्स को, इन दोनों फोर्सेज को फाइंड करने से पहले हमें प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप प्रेशर लेकर आएंगे, उसके बाद इन जो फोर्सेस हैं इनको हम कैलकुलेट करेंगे। हमने प्रेशर इन लिक्विड जो टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पर हमने प्रेशर का जो फार्मूला बनाया था वो था P इज इक्वल टू रो जी और H के बराबर। अब के क्यों हमने इसके ऊपर प्रेशर भी दो तरह के फाइंड करने हैं, टॉप के लिए अलग और बॉटम के लिए अलग फाइंड करेंगे। इस वजह से अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ P1, तो ये बन जाएगा रो जी H1 बन जाएगा, यानी कि पहली हाइट के लिए। और इसी तरीके से ये बन जाएगा P2 इज इक्वल टू बन जाएगा रो जी H2 के बराबर हो जाएगा। अब लेकर आते हैं फोर्स का फार्मूला। अब हमें पता है फोर्स का जो फार्मूला होता है सॉरी प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है F/A के इक्वल आ जाता है। अब अगर इसमें से आपने फोर्स की कीमत को फाइंड करना है, तो A इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसका फार्मूला बनेगा कि F इज इक्वल टू P/A के बराबर। अब इनके मुताबिक P1 और P2 के मुताबिक आप इस फार्मूले को चेंज कर लेंगे। तो पहली फोर्स के लिए ये बन जाएगा F1 इज इक्वल टू P की जगह पर आप P1 लिख देंगे और साथ क्या लिख देंगे, A आ जाएगा। अब P1 की वैल्यू हमें पता है रो जी H1 के बराबर, और P2 की जो वैल्यू है वो है रो जी H2 के बराबर। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा F1 इज इक्वल टू रो जी H1 और ये साथ A भी आएगा ये वाला। इसी तरीके से F2 के लिए फाइंड करते हैं, तो ये बन जाएगा F2 इज इक्वल टू P2 और A, ये इसका फार्मूला बनेगा। अब P2 की वैल्यू यहाँ से आपने उठा लेनी है, तो ये बन जाएगा F2 इज इक्वल टू रो जी एच टू और इसके साथ A भी लिख लेंगे। अब क्योंकि हमने इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस लेने के लिए हम क्या करते हैं, F2 माइनस F1, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को डिफरेंस किया जाता है। अब इसको लिखते हैं, ये बन जाएगा F2 माइनस F1। अब हमारे पास F1 की वैल्यू और जो F2 की वैल्यू है इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा रो जी H2 और A, दरमियान में माइनस का साइन। और इसी तरीके से ये बन जाएगा रो जी H1 और A आ जाएगा। अब
इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा एफ टू माइनस एफ वन रो जी और ए, ये इन दोनों हिस्सों में कॉमन है, तो रो जी और ए को कॉमन लिया तो बाकी बच रहा है एच टू माइनस एच वन के बराबर। और शुरू में हमने लिखा हुआ है कि एच जो होता है वो एच टू माइनस एच वन के बराबर, तो इस ब्रैकेट वाले हिस्से की जगह पर आप लिख देंगे एफ टू माइनस एफ वन इज इक्वल टू रो जी ए और इसके साथ स्मॉल एच भी लगा देंगे। अब इस सवाल का आखिरी हिस्सा कि जो ए और एच है वो होता है वॉल्यूम के बराबर, ए एच यानी कि एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, वो किसी भी चीज़ के वॉल्यूम के बराबर होता है, तो इस ए एच की जगह पर आप क्या लगा देंगे, वी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा एफ टू माइनस एफ वन रो जी और इसके साथ क्या लिख देंगे वी। और एफ टू माइनस एफ वन ये असल में है किसी चीज़ की अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं रो जी वी के बराबर। तो ये इक्वेशन साबित करती है कि किसी भी चीज़ की अपथ्रस्ट अगर आपने फाइंड करनी हो किस चीज़ पर वो डिपेंड करती है ये भी बताया जा सकता है इस इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी यानी कि रो और जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी, ये तो दोनों कांस्टेंट हैं, बाकी बच जाएगा वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी चीज़ की अपथ्रस्ट जो है उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर फ़र्ज़ करें किसी भी चीज़ का जो वॉल्यूम, वाटर अगर ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी अपथ्रस्ट उतना ही ज़्यादा होगी, किसी भी बॉडी का अगर वॉल्यूम कम है तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट भी कम होगी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, इसके हवाले से कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया।